हाँ रतन सा, हाँ, हम बस नीचे पहुंच ही रहे हैं। अब हाँ, हम आपके साथ ही चलेंगे महल की टोर पे। बस बस, नहीं, आप अकेले मत जाना, हम आ ही रहे हैं। जी, बस पहुंच ही रहे हैं। हेलो, अब अरे बैटरी, इसका चार्जर तो रतन सा के कमरे में। केसर महल और उसके रहस्य। यातना घर के औजार, पेज नंबर 30। जरूर कोई है जो नहीं चाहता कि हम दाता हुकुम के पास रहे। कोई नहीं चाहता कि हम दाता हुकुम के साथ महल की टोर पे जाए। मिस्टर इंडिया, पहले आप वर्ड से मारती थी, अब टेबल से मारेंगी। What have I done? ये सब क्या हो रहा है दाता हुकुम? I'm really sorry, मुझे ड्रामा करना पड़ा। एक्चुअली मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था आपको इस कमरे में बंद करने का, तो क्या करते? आपने हमें इस रूम में रोकने के लिए ये सब किया। Unbelievable. आपको पता भी हम कितना डर गए थे? आप डर गई थी? आप रोज इतने लोगों को डराती हैं। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि डर कैसा होता है। एंड बिसाइड्स, आप अपना ख्याल तो रखेंगे नहीं, तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा हुकुम, इसलिए इन्होंने खास आपके इलाज के लिए जयपुर से बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बुलवाया। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, आप हड्डियों के डॉक्टर हैं, लेकिन अगर गुस्से और जिद का आपको इलाज आता है तो प्लीज जल्दी शुरू कर दीजिए। मैं फिकर बेपरवा तू है अलग कुछ दोनों यूं, उम्र भी छोटी बड़ी सी है। थैंक यू। केसर महल और उसके रहस्य। दिया भाई साहब, आज तो आप कुछ भी कर लीजिए, रतन सा को बचा नहीं पाएंगी। पांव में मोच तो काफी जोर की है, थैंक गॉड कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन आपको कंप्लीट 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना होगा। और रही बात दर्द की, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर दे देता हूँ और साथ में एक इंजेक्शन भी, उससे आपको तुरंत रिलीफ होगा। बिल्कुल नहीं, हम इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उससे हमें नींद आ जाएगी और इस समय हम सोना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ कम ऑन मिस्टर इंडिया, सिर्फ 1 ही घंटे की तो बात है। आप मेरी सिक्योरिटी की टेंशन मत लीजिए, मैं महल का टूर कल कर लूंगा। आज घर पे हूँ, आप आराम कर लीजिए।
भाई साहब को हमें भी लगता है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। हम ठीक है यश बन्ना। I'm sorry. रहने दीजिए डॉक्टर साहब, ये नहीं मानेंगी। दादा हुकुम। डॉक्टर साहब जल्दी, डॉक्टर साहब जल्दी। नहीं, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये आपने अच्छा नहीं किया दादाओं को, और यश बन्ना आप भी। 12 सालों में पहली बार रेस्ट करने वाली आप, सो व्हाट अगर जबरदस्ती की रेस्ट है, लेकिन जब आप उठेंगी तो बहुत फ्रेश फील करेंगी। वैसे दादा हुकुम, डॉक्टर ने क्या बताया इस इंजेक्शन का असर कितने टाइम तक रहेगा? यश बन्ना यही कुछ 7 से 8 घंटे। आप घेवर लीजिए ना। जी जी। आप ये गर्मा गर्म कचौरियां खाइए, खाकर देखिए। जी। जलेबी लीजिए। Hey guys. Hey बड़ी, कहाँ थे तुम? जरूरी काम में बिजी था। अरे दादा हुकुम, आप भी लीजिए ना, गरम गरम नाश्ता बनाया है आपके भाभी साहब। हमने कहा भी दुकान से मंगवा लेते हैं, लेकिन इन्हें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, प्लीज लीजिए। No, thank you, बुआ सा। I'm full. अगर ख्याल रखना ही है तो अपनी बहन की सेहत के बारे में भी सोचिए भाभी साहब। ओहो, बाय द वे, तुम्हारी बॉडीगार्ड कहाँ है? तुम तो कहते थे कि तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। उनका नाम दिया है। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो अपने रूम में आराम कर रही है। तुम दोनों के लिए वो बाईसा हुकुम है। She deserves respect. Sorry. दाता हुकुम, राजस्थान की धूप बड़ी तेज हो गई। 12 बजे के बाद तो बर्दाश्त की पहाड़ हो जाती से। सनग्लासेस और सनस्क्रीन ले लिए होंगे ना आपने? जी काकी मासा। गाइस, वी नीड टू लीव, नहीं तो केक की तरह बेक हो जाएंगे। दाता हुकुम, हमें पुलिस स्टेशन में कुछ जरूरी काम है, हमें जाना होगा। सेल सिक्योरिटी गार्ड्स यहीं रहेंगे, प्लीज उन्हें अपने साथ रखिएगा। You guys will love the Yatnagar. Yatnagar बिल्कुल मत जाइएगा दाता हुकुम। जी काकी मासा। सालों में पहली बार इतनी शांत होकर सो रही हैं दिया भाई साहब। 12 सालों में पहली बार हमारे खेल में आपकी आंख लग गई। आज से जीवन में आपको आराम ही आराम है। पहरेदारी से छुट्टी मिल जाएगी हमेशा के लिए। प्रिया कोरानी सर,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? भुआ सा, आप भी तो यहीं पर हैं। भूल गई, हमारी बहू की बहन, और आप कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं यहाँ पर? अतिथि देवो भव, मेहमान है ये हमारी, इनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है और धर्म भी। ये 12 बजते ही ना कमरे में धूप बहुत ज्यादा आ जाती है, कितनी धूप है देखिए। अब ठीक है, पर्दे गिराने आए थे। अपनी बहन के लिए इतना बैर दाता हुकुम तक को दिख गया। हम जानते हैं कि दिया बाईसा आपको एक आंख नहीं भाती, पर आप दिखावा तो कर सकती हैं ना। देखिए ईशा को, रानीसा, सिर्फ 15 दिन की बात है, अगर आप दाता हुकुम का मन नहीं जीत पाए तो आयुष बन्ना के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए तो अपनी बहन के पास जाइए और उनका ख्याल रखिए। ये नाटक हमसे नहीं होगा मासा, आपको दिखावा करना है तो आप कर लीजिए। हम दिया बाईसा की जी हजूरी तो हर किस नहीं कर सकते, हम इनसे सिर्फ नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत। ईशा, ईशा, कहां पहुंचे दाता हुकुम? यातना घर के पास। गाइस, यातना घर चोरों और क्रिमिनल्स के लिए टॉर्चर चेंबर था और प्रिजनर्स से सच निकलवाने के लिए बनाया गया। इट्स टू डेंजरस। अजय, ये महल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यातना घर की हिस्ट्री खून से लिखी गई थी। अमेजिंग टॉर्चर सेल्स, लेट द गेम्स बिगिन। यातना घर में आपका स्वागत है दाता हुकुम। यहां आपकी चीखें गूंजेंगी, मगर अफसोस, अफसोस कि आपकी पहरेदारनी कुछ नहीं कर पाएगी। अलविदा दाता हुकुम। भाईसा हुकुम, भाईसा हुकुम, भाईसा हुकुम, भाईसा हुकुम, आगे खोलिए ना। भाईसा हुकुम, हमारी सीक्रेट टीम को एक मैसेज हाथ लगा है। दाता हुकुम की जान खतरे में है, उन्हें आपकी जरूरत है भाई साहब। हुकुम पानी, पानी। भाई साहब, हुकुम आगे खोलिए। दाता हुकुम का फोन भी नहीं लगा है। हेलो, हेलो, नो सिग्नल, चले। भाई साहब, हुकुम आगे खोलिए ना। ये देखिए, ये मैसेज मिला हमें। भाई साहब, हुकुम इसका मतलब क्या है? आग लगे तो पानी हूं, बदन लगू तो हानि हूं, जम जाऊं तो रात बने थे, पिघलाओ तो दुश्मन जानी हूं। भाई साहब, हुकुम, भाई साहब, हुकुम प्लीज आगे खोलिए। भाई साहब, हुकुम, भाई साहब, हुकुम रतन दाता को आपकी जरूरत है। भाईसा हुकुम आज हमारी मदद नहीं कर सकते, लगता है हमें दाता हुकुम को ढूंढना पड़ेगा। हे वी आर गाइस, हो रहा यातना टॉर्चर चेंबर, बहुत सारी लाशों के फाउंडेशन पे बनाई, ध्यान से सुनोगे तो अब भी चीखे सुनाई देंगी। सुना, लेट्स गो।
यस सर, सीसीटीवी की पूरी फुटेज देख चुके हैं पर दाता हुकुम कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरा संभल कर प्रिया, किसी को पता ना चले कि दाता हुकुम खतरे में है। सुनो, पहले ही वार में काम हो जाना चाहिए। Guys, here we are. Fun times ahead. Seriously, यार ये तो जगह ही हॉन्टेड लगती है, डेंजरस। यहाँ की तो हवा में ही टेंशन है। डर जिससे डर जाए वो है रतन। गाइस, अब मैं तुम लोगों को हर एक इक्विपमेंट का लाइव डेमो दूंगा। पुराने हैं, डोंट वरी, काम नहीं करते। गाइज, ये है मेटल की प्रेशर बेल्ट। इसमें क्रिमिनल्स की सांसें ऐसी रोकी जाती थी कि डर के मारे सब बता देते थे। मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। सच में टाइट हो गया। Guys, I was just kidding. Guys, ये equipment बहुत dangerous है। इसमें सर body से अलग करते हैं। Wait, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। हमारी सीक्रेट टीम को एक मैसेज आता है। दाता हुकुम की जान खतरे में है। भाग लगे तो पानी हूँ, बदन लगो तो हानि हूँ, जम जाऊँ तो रात बने थे, पिघलाओ तो दुश्मन जानी हूँ। पैसा हुकुम, इसका मतलब क्या है? चाहते हैं कि आप हमें वचन दीजिए कि आप रतन शाह की हिफाजत तन मन और धन से करेंगे, आप उसकी पहरेदार बनेंगे। हम वादा करते हैं कि जब तक हमारी आखिरी सांस है, हम रतन साहब पर एक आंच नहीं आने देंगे। रतन, रतन, डरा दिया यार तूने। कॉफी खाने से शायद नींद उड़ जाए। लेकिन तो पानी हूँ मैं।
बदन लगे तो हानि हूं मैं, जब जम जाऊ तो जम जाऊ तो जब जाओ तो रात बने दिन, बिखराओ तो दुश्मन जानी हूं मैं। भाग लगे तो पानी हो, बदन लगो तो हानि हो, जम जाओ तो रात बने थे, पिघलाओ तो दुश्मन जानी हो। Guys, this is death chair. वो कंटेनर दिख रहा है तुम लोगों को ऊपर? उसमें से गरम गरम वैक्स नीचे गिरता था और जो क्रिमिनल इस कुर्सी पे बैठता था ना, वो मोम का पुतला बन जाता था। वैक्स टूटते वो दादा हुकुम को मोम से मारना चाहते हैं। महल के पास वो यातना घर है जहां वो औजार है। दिया बाईसा और यशपन्ना वहां आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। हुकुम, रतन साहब कुर्सी पर बैठ चुके हैं। काउंटडाउन शुरू, 5, 4, 3. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.